नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 टीवी और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट पेश कर दिया गया और इस बजट में बड़ी घोषणा आम जनता के लिए की है। आम जनता को, टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत दी गई है, टैक्स में छूट दी गई है। 5 लाख से इस छूट को बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है। और क्या कुछ खास आम जनता के लिए इस बजट में रहा है, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है आयकर एक्सपर्ट सीए नितेश नौसादा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में नितेश जी। सबसे बड़ी घोषणा, 8 साल बाद इस पिटारे को खोला गया है जिसकी उम्मीद थी, हर बजट में उम्मीद लगाई जाती थी कि अब की बार इनकम टैक्स में रिबेट दी जाएगी, छूट दी जाएगी, लेकिन आखिरकार अब आठवां जो बजट है उसमें जाकर के राहत देखने को मिली है। 8 साल बाद यहां पर आम जनता को इनकम टैक्स में रिलीफ देखने को मिली है। 5 लाख की जो छूट थी वो 7 लाख कर दी गई है। तो अब इसको विस्तार से हम जानना चाहेंगे कि आखिर कैसे 7 लाख तक की छूट आम जनता के लिए रही है और अब अगर 7 लाख से ऊपर इनकम होगी तो क्या उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, इसके बारे में विस्तार से बताएं। माननीय वित्त मंत्री जी ने आज बजट पेश किया है उसमें जनता की उम्मीदों को कुछ हद तक उन्होंने साकार किया है। बहुत समय से उम्मीद लगाई जा रही थी और हर व्यक्ति जो भी टैक्स पे करता है उसकी इच्छा रहती है कि मेरा टैक्स मिनिमाइज हो। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे पास जो क्लाइंट आते हैं वो ये कहते हैं कि मैं अपना टैक्स कैसे बचा सकता हूँ। तो वित्त मंत्री जी ने इसमें एक अच्छा कदम उठाया है और जो पहले इनकम 5 लाख रुपीज़ तक की टैक्स फ्री थी उसको 7 लाख किया है। पर इसको अपने को विस्तार से समझना होगा। कई बार लोग ये मिसकंसेप्शन रहता है कि 5 लाख रुपये तक की इनकम मेरी पूरी एग्जेम्प्ट है, मतलब मेरे अगर 6 लाख रुपए की इनकम है या 7 लाख रुपए की इनकम है तो 5 लाख तक तो वो एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर की इनकम पे टैक्स देना होगा। बट ऐसा नहीं है। प्रोविज़न ये है कि अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है टोटल इनकम तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। अगर इनकम उसको क्रॉस करती है तो आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो 2,50,000 थी पहले वहाँ तक फ्री रहेगा। 250 से 5 तक आपको 5% से टैक्स पे करना पड़ेगा। इस बजट में उन्होंने इसको चेंज कर दिया, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को 3 लाख कर दी। 3 लाख तक आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा और 3 लाख के ऊपर जो भी इनकम है उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। पर अगर किसी की टोटल इनकम 7 लाख तक है उसको क्रॉस नहीं कर रही तो उसको 1 रुपया भी इनकम टैक्स के रूप में पे नहीं करना पड़ेगा। और ऐसे लोग जिनकी इनकम 5 से थोड़ी सी ऊपर थी, 6 थी या 6.5 तक थी, उनको जो भारी भरकम टैक्स पे करना पड़ता था उससे उनको मुक्ति मिल जाएगी और उनको जो अपनी सेविंग वो टैक्स की जो अमाउंट पे करते थे उसको अपनी बचत में या अपने अन्य जरूरी खर्चों में वो काम ले सकते हैं। जी नितेश जी, यहाँ पर थोड़ा एग्जांपल के साथ में समझना चाहेंगे कि मान लीजिए अगर पहले पिछला जो टैक्सेशन का सिस्टम था उसमें 5 लाख तक एग्जाम था, अगर किसी की इनकम है 5 लाख से ऊपर हो गई, 5 लाख समझो 10,000 हो गई, तो उसको 10,000 पे टैक्स देना होता था या फिर पूरा उसको जो एग्जम्पशन था वो केवल 2.5 लाख था? नहीं, पहले उसको 2.5 लाख तक ही एग्जेम्प्ट थी। 2.5 से 5 लाख रुपए तक उसको 5% मतलब 12,500 रुपीस पे करना था जी। इसके ऊपर जो इनकम थी उस पर 20%, मतलब अगर किसी की इनकम 5,10,000 है तो 10,000 पर 20% 2,000 प्लस 12,500 तो 14,500 रुपीस पे करना होता था जी। अब अगर उसकी इनकम 5,10,000 है तो उसको 1 रुपया भी पे नहीं करना पड़ेगा, मतलब पूरा टैक्स उसका सेव हो जाएगा और ये एक आम जनता के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है। जी बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के ये माना जा सकता है कि जो व्यक्ति 7 लाख से कम इनकम कर रहा है, बिलो 7 लाख है, उसके लिए परफेक्ट ये छूट है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 7 लाख और 5,000 रुपया कमा रहा है तो उसके लिए ये जो रिलीफ पहले 2.5 लाख थी अब 3 लाख कर दी गई है, बाकी का ऊपर का 4 लाख का पेमेंट है, 4 लाख और 5,000 उस पर उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। पर ये 7 लाख की जो लिमिट है वो केवल न्यू स्कीम के लिए की है। गवर्नमेंट ने 2020 में ये न्यू स्कीम प्रपोज की थी, एक अल्टरनेटिव टैक्स रिजीम था, उसमें SSC को ये छूट थी कि वो दोनों टैक्स रिजीम में कोई भी स्कीम ऑप्ट कर सकता है। बट न्यू स्कीम ज़्यादा नहीं चली और करदाताओं को वो ज़्यादा लुभा नहीं पाई, इसलिए गवर्नमेंट ने इस बार उसमें कुछ और ये फीचर्स ऐड किए हैं ताकि ये लुक्रेटिव बने और SSC को इनका बेनिफिट मिले और लोग ज़्यादा से ज़्यादा न्यू स्कीम को ऑप्ट करें। अभी जो प्रीवियस ईयर्स थे उसमें अराउंड 10% लोगों ने न्यू स्कीम में रिटर्न फाइल की, बाकी सारे SSC ने अपना प्रीवियस जो टैक्स रिजीम थी उसी को ऑप्ट करके रिटर्न्स फाइल की। जो लोग इस लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं वो लोग पुरानी स्कीम को अडॉप्ट कर रहे हैं और जो लोग इस स्कीम के दायरे में आ रहे हैं, छूट के दायरे में आ रहे हैं, वो नई स्कीम को अडॉप्ट कर रहे हैं, कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है? नहीं सर, ऐसा नहीं था। टोटल जो नंबर ऑफ रिटर्न फाइल थी उसमें 10% लोगों ने
न्यू स्कीम को ऑप्ट किया था और बाकी सारे एसएससी ने ओल्ड स्कीम को ऑप्ट किया था। अब इसमें जो न्यू स्कीम है उसमें कुछ और बेनिफिट इन्होंने कर दिए, इसलिए आशा है कि न्यू स्कीम ज़्यादा लुक्रेटिव बनेगी और लोग इसको ज़्यादा ऑप्ट करेंगे। जी बिल्कुल जी नितेश जी, एक और सवाल यहाँ पर बनता है कि स्लैब जो थे उनमें कमी की गई है, पहले 6 स्लैब थे और अब 5 स्लैब कर दिए गए हैं, तो थोड़ा डिटेल में इसको बताएं कि पहले जो 6 स्लैब थे कौन कौन से थे और अब जो 5 स्लैब कर दिए गए कौन सा स्लैब हटा दिया गया जिससे अब जनता को राहत मिलेगी। जैसा कि मैं अभी अपनी बात हुई कि पहले की स्कीम कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी इसीलिए लोगों ने उसको चूज नहीं किया और वो लोगों को पसंद नहीं आई, तो पहले हर 2.5 लाख रुपये पे स्कीम 6 डिवाइड उसमें डिवीजन किए हुए थे, अब उसको 3 लाख पे उन्होंने डिवाइड किया है। अब जो स्कीम कर दी उसमें 3 लाख रुपीज़ तक इनकम एकदम एग्जेम्प्ट कर दी और 3 लाख to 6 लाख उन्होंने 5% स्लैब रखा है, 6 लाख to 9 लाख उन्होंने 10% स्लैब रखा है, 9 to 12 लाख पे 15%, 12 लाख to 15% 20%, और किसी की इनकम अगर मोर देन 15 लाख है तो उस पर 30%। ये अब नई स्कीम उन्होंने बनाई है। जी बिल्कुल, इसके अलावा अगर नितेश जी बात करें फाइलिंग सिस्टम की, तो फाइलिंग सिस्टम को लेकर के इनकम टैक्स इसमें एक मैं इंटरप्ट करूंगा आपको, इसमें थोड़ा सा मैं एलोबरेट करना चाहूंगा ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए कि इससे बेनिफिट क्या रहेगा। जी एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो किसी की टोटल इनकम 9 लाख रुपीज है, जी तो अगर उसको न्यू स्कीम और ओल्ड स्कीम में अपन कंपेरिजन करते हैं, अगर ओल्ड स्कीम में अगर वो रिटर्न फाइल करता है जी तो 9 लाख में उसको 3 लाख तक दोनों में एग्जम्प्ट रहेगी इनकम, अगले 2 लाख रुपीज पे ओल्ड सिस्टम की बात करते हैं तो 2 लाख रुपीज पे उसको 5% मतलब 10,000 रुपी पे करना पड़ेगा जी। और अगले 4,000 पे उसको 50,000 टैक्स पे करना पड़ेगा, तो टोटल उसका टैक्स बनेगा 60,000 जी। और अगर न्यू स्कीम की बात करते हैं तो न्यू स्कीम में उसका टैक्स बनेगा 45,000, तो उसको 15,000 का बेनिफिट होगा। नई स्कीम में बेनिफिट हो जाएगा, नई स्कीम में उसको 15,000 का बेनिफिट होगा। तो अब कुल मिलाकर के ये माना जा सकता है कि अब नई स्कीम काफी प्रचलित होगी और लोग नई स्कीम में ही रिटर्न फाइल करना ज्यादा उचित समझेंगे। डेफिनेटली सर जी बिल्कुल। चलिए अब मेरा जो अगला सवाल था फाइलिंग सिस्टम को लेकर के, बजट के दौरान क्या सरकार ने ऐसे कोई प्रावधान किए हैं फाइलिंग सिस्टम को कोई आसान बनाने का काम, या फिर कुछ और क्लैरिफिकेशन इसमें जो कोई विसंगतियां थी उनको दूर करने की कोई घोषणा बजट में की गई है? बजट में जो पैन का एक बहुत बड़ा बेनिफिट दिया गया है, सिंगल बिजनेस आइडेंटिफायर किया है इन्होंने, कि बिजनेस की प्रोसेस इस तरह से चलती थी कि बिजनेसमैन को बहुत सारी जगह अलग अलग डॉक्यूमेंट सबमिट करने रहते थे, तो इस बार उन्होंने पैन को एक ऐसा बिजनेस आइडेंटिफायर बनाया कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसी ऐसा पोर्टल बनाएंगी कि सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ ऑटो फेच होंगे, तो बिजनेसमैन को कोई पैन नंबर अपना देना रहेगा, उससे सारी डिटेल्स ऑटोमेटिक आ जाएगी, तो मल्टीपल एजेंसीज को जो मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस करने रहते थे उससे बिजनेसमैन को एक तो कंप्लायंसेस उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी, एक फास्टर प्रोसेसिंग होगी, ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट किया है। जी बिल्कुल, इसके अलावा बात करें कि जो टैक्सेशन है इनकम टैक्स को लेकर के जो टैक्सेशन की रेट है उसके मामले में पूरे दुनिया के अंदर अगर भारत की बात करें तो सबसे हाईएस्ट मानी जाती थी और टैक्सेशन जो स्लैब था काफ़ी हाई था, उसको लेकर के भी इस बार बजट में घोषणा की गई है, उसको थोड़ा डिटेल में जानना चाहेंगे। पहले इंडिया में इनकम टैक्स की रेट 42.74 थी, वो मैक्सिमम रेट थी, अब उसको रिड्यूस करके 39 पे ले आए हैं ये लोग जी। इसमें इन्होंने इस तरह से किया है कि सरचार्ज जो 37% लगता था मैक्सिमम रेट से उसको रिड्यूस करके 25% कर दिया जी, तो इसलिए जो मैक्सिमम रेट है वो कम हो गई। इससे बेनिफिट ये होगा कि जो भी इन्वेस्टर्स जो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, वो प्रमोट होंगे, वो चाहेंगे कि इंडिया में बिजनेस करें क्योंकि यहाँ पे टैक्स कंप्लाइंसेस भी कम होगी, टैक्स रेट्स भी कम होंगी, जो जितना ज़्यादा बिजनेसमैन को बेनिफिट होगा, टैक्स की रेट जितनी कम होंगी उतने ही बिजनेसमैन यहाँ प्रमोट होंगे, इंडिया में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा और इंडिया की ग्रोथ उतनी फास्ट होगी। जी बिल्कुल, इसके अलावा अगर बात करें पेंडिंग केसेस को लेकर के काफी डिमांड थी और बजट से उम्मीद भी थी, तो इस बजट में क्या कुछ कोई प्रावधान किए गए हैं जो पेंडिंग केसेज है जिसको लेकर के चिंता में थे आयकरदाता, उनके पेंडिंग केस कब सॉल्व होंगे और वो जो समस्या है उस समस्या से बाहर निकल पाएंगे, तो इस बजट में क्या उनके लिए कुछ राहत की उम्मीद या फिर राहत दी गई है? यहाँ पर पेंडिंग केसेस के लिए इन्होंने 100 जॉइंट कमिश्नर अपॉइंट करने का प्रावधान किया है कि जो पेंडिंग लिटिगेशंस हैं उसको डिस्पोज ऑफ करेंगे। इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि बहुत सालों से केस चलते रहते हैं और बिजनेसमैन भी उसमें उलझे रहते हैं, गवर्नमेंट की मशीनरी भी उसमें इन्वॉल्व रहती है, उसका कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट नज़र भी नहीं आता क्योंकि जितने साल केस चलता है उसकी जितनी कॉस्ट होती है उतनी तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू नहीं मिल पाती। मोदी गवर्नमेंट ने पहले भी ऐसी कोशिश की है, विवाद से विश्वास स्कीम आई थी, इसमें अन्य भी स्कीम लेके आए, वो जीएसटी में भी इनकम टैक्स में भी, उनका ये प्रयास रहा है कि
ऐसी स्कीम्स लाई जाए ताकि पेंडिंग मैटर्स हैं उनको एक बार क्लियर कर दिया जाए, ताकि बिजनेसमैन का जो एनर्जी है वो उन केसेस में उलझने के बजाय अपने बिजनेस को प्रमोट और देश को प्रमोट करने में लगी जाए जी। इसलिए एक बहुत अच्छा स्टेप है कि कुछ स्पेशल ऑफिसर इसके लिए डिप्यूट किए जाएंगे जो पेंडिंग जो भी केसेस हैं उनको डिस्पोज ऑफ करेंगे जी। बिल्कुल नितेश जी, यहाँ पर जब बजट पेश होता है तो देश की जनता को एक ही उम्मीद होती है कि उनको क्या राहत मिली है इस बजट में। तो आपकी नज़र में इस ओवरऑल पूरे बजट को अगर समराइज करके देखा जाए, हालांकि जो टैक्सेशन की छूट है वो दे दी गई है, कई सारे प्रावधान और किए हैं, इसके अलावा और क्या क्या इस बजट में है जो आम आदमी के लिए फायदे का सौदा साबित होगा? इस बजट में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं किए, और जो भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जी ने बजट पेश किए हैं पहले भी, उसमें उन्होंने कोई आमूलचूल परिवर्तन कभी नहीं किए। स्लाइड चेंजेज वो करते हैं जो ज़रूरी होते हैं, और लोक लुभावने बजट से ये सरकार हमेशा दूर रही है। चुनावी रेवड़ियाँ उन्होंने नहीं बांटी। मोदी सरकार के ये दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्णकालिक बजट है, उसमें लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि ATC की लिमिट हमारी इंक्रीज होगी या हमें कुछ और चुनावी फायदे मिल जाएंगे, बट इस बार 1,07,00,000 रुपये का जो इनकम को टैक्स फ्री किया है, इसके अलावा उन्होंने ऐसा कोई विशेष बेनिफिट नहीं दिया। और एक MSME सेक्टर को, मतलब जो स्मॉल एंटरप्राइजेज है, उनके लिए प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन की स्कीम थी, उसकी लिमिट को उन्होंने इंक्रीज़ किया है। पहले 2 CR तक, 2 करोड़ रुपए तक की अगर किसी का टर्नओवर है तो प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन को ऑप्ट कर सकता था, और 8% या 6% जिस भी उस कैटेगरी में वो फॉल करता है वो टैक्स पे करके अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के झंझट से फ्री हो जाता था जी। इस बार उन्होंने लिमिट को इंक्रीज़ करके 2 CR से 3 CR कर दी, और प्रोफेशनल्स के लिए ये लिमिट 44 ADA सेक्शन में 50 लाख थी, उसको 75 लाख कर दिया जी। बट उसमें एक कंडीशन उन्होंने डाली है, ये चाहते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी कैश फ्री इकोनॉमी बने और इसमें ज़्यादातर ट्रांजेक्शन डिजिटल ट्रांजेक्शन हो, तो इसमें कंडीशन डाली है कि ये स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए आपकी ग्रोस रिसीट्स का 5% तक ही आप कैश में ले सकते हैं, बाकी सारे ट्रांजेक्शन जो भी हैं वो डिजिटल मोड से होने चाहिए, तो ही आप स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं, अदरवाइज आपकी लिमिट वही रहेगी जी। बिल्कुल नितेश जी, देखा गया जब बजट पेश कर रही थी देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, उस दौरान सेंसेक्स छलांग मार रहा था, 1000 से ज्यादा अंकों की छलांग देखने को मिली, तो माना जा सकता है कि शेयर बाजार खुश था। लेकिन आपकी नज़र में ओवरऑल अगर देखा जाए, आम आदमी की नज़र से भी अगर देखा जाए, तो इस बजट को 10 में से क्या अंक आप देना चाहेंगे आउट ऑफ 10, क्या नंबरिंग आपकी तरफ से? इस बजट में मेरी ओपिनियन में 6 to 7 मार्क्स इसको दूंगा मैं, मैक्सिमम 7 रहेंगे, क्योंकि बजट में कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ, जनता को इतने कोई ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं हुए, बट कुछ चीज़ें इसमें अच्छी भी की हैं जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ इंडिया को देंगी। इसमें इकोनॉमी बूस्ट करने के लिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसका 10 लाख करोड़ रुपीज़ का प्रोविजन किया है, प्रीवियस ईयर में 7.5 लाख करोड़ था, उससे 33% इंक्रीज किया है, ये बहुत अच्छी बात है, और लॉन्ग टर्म में इंडिया की इकोनॉमी को बहुत बूस्ट करेगा। इंडिया जो आज $5 trillion इकोनॉमी बनने की जो चर्चाएं चल रही है, जिसको बनाने की बात की जा रही है, उसके लिए ऐसे स्टेप लेना जरूरी है, और ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है। जितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा, उतना ही इंडिया की ग्रोथ को स्पीड मिलेगी। इसके अलावा उन्होंने MSME के लिए 9,000 करोड़ रुपीज़ स्पेशल दिए हैं उनकी क्रेडिट गारंटी स्कीम के लिए, इससे MSME का बिजनेस डेफिनेटली प्रमोट होगा। रेलवे, रोड, ट्रांसपोर्ट, हाईवेज, ये भी किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में बेसिक फंक्शन के रूप में काम करती हैं जी। आज रेलवे का बहुत अंडर डेवलप्ड था, इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद से इंडिया का रेलवे ने इतना डेवलपमेंट नहीं किया, और इस गवर्नमेंट ने आने के बाद इंडिया के रेलवे को बहुत स्पीड से डेवलपमेंट का एक लक्ष्य लिया है इन्होंने जी। और इस बार उन्होंने बजट में 2.4 लाख करोड़ रुपीज़ इसके लिए अलॉट किए हैं, जो 2013-14 मतलब प्रीवियस गवर्नमेंट में जो आउटले था इसका कैपिटल आउटले, उससे 9 times हायर है, मतलब 9 गुना ज़्यादा बजट रेलवे को दिया है। तो डेफिनेटली ये रेलवे को तो प्रमोट करेगा ही, इसके साथ में ट्रांसपोर्टेशन, टूरिज्म और इंडिया की इकोनॉमी को भी इनडायरेक्टली बहुत बेनिफिट पहुंचाएगा जी। बिल्कुल, अब मोदी सरकार ने वादा किया था किसानों की आय दोगुनी करने का, और इस बजट में किसानों को लेकर के क्या कुछ खास रहा है? महिलाओं को भी हालांकि फोकस किया गया है, तो वहीं वृद्धजनों को भी रिलैक्सेशन दिए गए हैं, सेविंग अकाउंट्स में जो डिपॉजिट्स हैं उनको लेकर के जो लिमिट्स हैं उनको इंक्रीज किया गया है, तो थोड़ा बेसिक जानकारी हम आपसे चाहेंगे उसके बारे में। सीनियर सिटीजन्स की जो एक फंड इनके पास रिटायरमेंट के टाइम आता था, तो एक उनको एक प्रॉब्लम होती थी कि मैं इस फंड को कहाँ इन्वेस्ट करूँ, जहाँ ये सेफ भी रहे
और उसमें बेटर रिटर्न भी मिले जी। तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम गवर्नमेंट की एक थी, उसमें रिटर्न भी अच्छा था और फंड नेशनलाइज बैंक में सेफ भी रह पाता था। तो उसकी लिमिट इनके लिए एक बड़ी बाधा थी जो 15 लाख ही थी। इस बार बजट में इन्होंने एक अच्छा प्रपोजल दिया है ये, और उस लिमिट को डबल करके 15 लाख से 30 लाख रुपीज़ कर दी। इसका फ़ायदा केवल पेंशनर्स को मिलेगा? इसका फ़ायदा डेफिनेटली पेंशनर को मिलेगा, जो सीनियर सिटीजन उन्हीं को फ़ायदा मिलेगा। और महिलाओं की जो बात कर रही है, उन्होंने 2 लाख रुपीज़ तक की एक 2025 तक की स्कीम निकाली है, उसमें 7.5% से उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, जो भी एक अच्छी स्कीम है कि जो भी लेडीज़ अपनी बचत करना चाहती हैं उनको बेटर रिटर्न मिल जाएगा, नॉर्मल रेट से ज़्यादा रेट उनको इंटरेस्ट के रूप में। सीनियर सिटीजन्स की बात करें तो उनको भी सेविंग अकाउंट में 4.5 लाख से बढ़ा करके जो लिमिट है 9 लाख कर दी गई। हाँ, ये भी एक उनका इंक्रीज़ किया है, ये एक अच्छा स्टेप है जिससे भी सीनियर सिटीजन्स को डेफिनेटली फ़ायदा होगा। जी बिल्कुल, चलिए तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे सीए नितेश नौसादर, जिन्होंने अपनी राय दी बजट पर, देश की इकोनॉमी को कितना ये बजट सपोर्ट करने वाला है, तो वहीं साथ ही साथ क्या कुछ मांग थी जो अधूरी रह गई इस बजट में भी, इन तमाम मुद्दों पर इन्होंने प्रकाश डाला। बजट को लेकर हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।